हम लोग जा रहे हैं आज शनिवार के दिन नीचे खाना बनाने। आज कुछ स्पेशल बनने वाला है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सामान भी लाया है मकर संक्रांति के लिए। मकर संक्रांति है कल, तो फिर उसको रात में मम्मी हम लोग सब मिलके न्यू डिशेस बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और नीचे हम लोग चलते हैं, तब तक नीचे। और ये देखिए यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है। आज हम बना रहे हैं मटर पनीर और साथ ही हम बनाएंगे पुलाव जो कि इस हांडी में बनेगा। तो इसके लिए हमने पहले से चावल थोड़ा सा बॉईल कर रहे हैं और यहाँ पे सब्जियाँ बॉईल। सो देव बाबू क्या कर रहा है ऊपर? वो छत पे घूम रहा है, मेरे को लगी हल्की हल्की सर्दी। विकेट का दिन है और देव को लग गई सर्दी, अब हमारा दिन बर्बाद हो रहा है ना एकदम। सो गाइस अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी चाय। चाय पियो? कौन से चाय बनाती है? तो गाइस देखिए दूध भी रखा है, ये कल का दूध है, कल ही मैंने गर्म करके रखा था। तो मैं चाय का बर्तन पहले धो लेती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे पुलाव का सोचा था बट सब्जियाँ ज़्यादा हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना वेज बिरयानी बना दी जाए, ज़्यादा अंतर तो होता नहीं है दोनों में। देखिए सब्जियाँ कितनी सारी है कि नहीं, हल्के से सॉटे ही करने बस इनको। और ये देखिए यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं, बुबू यहाँ से पापा मटर छील रहे और बुबू बाहर फेंक रहा है मटर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बनाई थी चटनी मूंगफली की पुलाव के साथ खाने के लिए। यहाँ मैं नीचे आ गई थी और बस यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई। बुबू के सारे खिलौनों को पहले मैं अरेंज करके उसके टेंट में रख देती हूँ और फिर जितना भी ये गंदगी है सब इनको झाड़ वाड़ के और बस सफाई कर देती हूँ यहाँ पे, और साफ़ वगैरह करके तब मैं ऊपर गई थी खाना वगैरह खाने के लिए। सारी चीज़ें मैंने सफाई करी अभी और घर भी पूरा साफ कर दिया। बस मुझे लगाना था पोछा, लेकिन अभी मैं पोछा नहीं लगा पाऊँगी, बस खाना पोछा खाना वगैरह खा लेने के बाद ही मैं साफ़ सफाई करूँगी जो थोड़ा बहुत बच गया है। वैसे तो काफ़ी साफ हो गया ये देखिए, और ये चटाई पे ना थोड़ी सी चाय मतलब कॉफ़ी गिरी थी, इसको मुझे धोना पड़ेगा छत पर ले जाके। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है किचन में मकर संक्रांति में, सब अपनी अपनी मिठाई बना रहे हैं। पापा लगे पड़े हैं, रितु लगी पड़ी है। रितु क्या बन रहा है यहाँ पे? वो पीठा, पीठा बना रही है, पार्टी छप्टा पीठा बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे खोया बनाया है रितु ने, और ये देखिए ढोसे जैसा बनाना पड़ता है इसको, और इसके अंदर आपका इसका एक बैटर का मतलब लेयर जाता है और फिर ये ऐसे रोल होते हैं। ये देखिए इतने शानदार तरीके से रोल होता है। और पापा आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? पूरन पुली। पापा बना रहे हैं, पूरन पुली तो नहीं बना रहे पापा। पापा बना रहे हैं कुली पिठिया, जो कि एक्चुअली गुजिया होता है ना, गुजिया, इट्स लाइक टाइप ऑफ दैट गुजिया, बस नॉट ए भुजिया, इट्स अ गुजिया, दिस इज पूरन पुली। नो, गुजिया को स्टीम करके उसको बॉयल करके उसमें दूध में डुबो के रखेंगे, दैट्स कॉल्ड कुली पिठिया। और यहाँ पे मास्टर शेफ ने भी टेस्टिंग कर लिया है, देखिए अभी बैठ के वो अपना खा रहे हैं नमकीन खाना। बबू कैसा था? अच्छा था, कार्टून में व्यस्त। पापा कुछ किचन घेर रखा है एक्चुअली, मेरी हल्की हल्की थोड़ी तबीयत खराब है बट अभी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है दवाई खा लेने का। और सबने यहाँ पे किचन घेर रखा है। हाँ मेरा बारी है, लास्ट में दिया है मेरे को टर्न की, तुम्हें जो मिठाई बनाना है तुम लास्ट में बनाना, कोई बात नहीं गाइस हम लास्ट में बनाएंगे। इतना गैदरिंग हो गया, पापा यहाँ पे थोड़े से गुस्सा होते हुए देख सकते हैं आप। अभी अभी मेरे को लग रहा है किचन का दो चार चीज टूटेगा, आप बने रहिए लाइव। देखिए पापा यहाँ पे बर्फ ले आए किचन के अंदर, क्या कोई चित्र रेसिपी है पापा की। सबने समझाया पापा को कि लम बन जाएगा, लेकिन पापा सुने नहीं।
देखिए लम बन गया। बर्फ बर्फ गिर रही है मम्मी, देखो ऐसा कभी होता है? ढाके रखो तो भापा हो। मम्मी यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक बता रही है पापा को। हाँ मम्मी गुजिया शेप है ये तो, देखा लेकिन ये हुआ नहीं और सुंदर होता। ये जो है ना, ये देखिए हो गया, ये तेरा गुजिया का जैसा होगा, छत्तू जैसा हो गया। हमारा उसमें थोड़ा ही मुलायम होना चाहिए सर। गुल्लू नहीं, गुल्लू नहीं, गुल्लू नहीं, थोड़ा सा लाई और दे दो। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए हम सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा, सारी मिठाइयाँ वगैरह बन गई थी। और अच्छा लगता है इतना सारा मिठाई वगैरह बना लो ना, तो कुछ हफ्ते तक ले आप इसको खाओ और इंजॉय कर सकते हो, और एक माहौल रहता है त्यौहार का।